आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक पावर शेयरिंग का टाइप है जिसमें पावर शेयर होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग में हम पढ़कर आए हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है और कहीं कहीं पर लोकल गवर्नमेंट भी होती है जैसे कि इंडिया में। तो अब हम इसको और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर है, फेडरलिज्म में दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं लेकिन उनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है। एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल, उनका कंट्रोल अलग अलग होता है। जैसे यूपी के स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल यूपी में रहेगा, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल राजस्थान पे रहेगा और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरे इंडिया पर रहेगा, वो पूरे इंडिया के सिटीजन को गवर्न करेगी, राइट। तो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं लेकिन इनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है। जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं और गारंटेड होते हैं। फोर्थ फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज लाना है तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनकी सहमति चाहिए होती है चेंजिंग के लिए। अगर डिफरेंट लेवल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो जुडिशरी जो होता है वो एक्ट करता है एज एन एम्पायर, और यही फीचर है हमारा फिफ्थ। जितनी भी लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट सब प्रोटेक्ट होने चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कंट्री में, और सेकेंड अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने कल्चर को लोग अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें। आइडियल फेडरलिज्म कहीं होता नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आइडियल फेडरल सिस्टम में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और सभी साथ में मिलकर रहने चाहिए, तभी वो सिस्टम फेडरल सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ फेडरेशन हम पढ़ते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आकर एक बड़ी यूनिट फॉर्म करते हैं उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री अपने रीजन को स्टेट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है। व्हाट मेक्स इंडिया एज फेडरल कंट्री। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब दो ही टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आगे चल के लोगों में इतनी दिक्कत आने शुरू हुई तो एक लोकल गवर्नमेंट भी बन गई। लोकल गवर्नमेंट इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपैलिटीज आ जाती है, पंचायत आ जाती है। देखो, लोकल गवर्नमेंट का काम तो आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है उसकी लिस्ट है, ठीक है, कुछ कामों की लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ कामों की लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो थ्री लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिन पर चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो कि दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर चेंजेस कर सकती है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्टेशन। स्टेट लिस्ट में वो लिस्ट आ जाती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ें आती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वो चीज़ें नहीं थी, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। तो इन सब चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अंडर आर्टिकल 371 इंडिया के सारे स्टेट्स इक्वल नहीं हैं, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिली हुई है, कुछ को कम। जैसे जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में कोई दूसरे स्टेट के लोग नहीं रह सकते, वहाँ पर लैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, नेचर है वहाँ पर, फॉरेस्ट है, तो वो सब बेकार हो जाएगा, दोबारा से पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखो, कुछ ऐसे रीजन भी हैं इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं अगर हम उन्हें स्टेट का नाम दें, और बहुत ज़्यादा बड़े हैं अगर हम उन्हें एक सिटी का नाम दें, तो उनका नाम है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप। अगर हमें फेडरेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा ना लग रहा हो तो क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा वो देखते हैं।
जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का और जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उन दोनों के 2/3 मेजोरिटी में अप्रूवल चाहिए होंगे। फिर उसके बाद जितने भी लेजिस्लेचर हैं इंडिया में, उसका हाफ ऑफ टोटल अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाकर फेडरेशन सिस्टम में कहीं कोई चेंजेस आ सकता है या फिर पावर शेयरिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि नए बने हैं। आप 1947 का मैप देख लीजिए और आज का इंडिया का मैप देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स आपको नए दिखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेट्स बन चुके हैं। अब ये स्टेट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, हम इंडिया को और भी ज्यादा यूनाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब अलग अलग तरह के लोग एक ही स्टेट में रहेंगे ना, तो इससे लड़ाई के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेट जब डिवाइड होता है तो दो बेसिस पे डिवाइड हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड होते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे जितने भी स्टेट्स बने हैं उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। अच्छा, लैंग्वेज की बात चल रही है तो चैप्टर का ये पार्ट भी हम कंप्लीट करते हैं। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हाँ, लेकिन इंडिया की इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी इंग्लिश को यूज किया जाता है। 1965 में इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे जो नॉन हिंदी स्पीकर थे उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमें ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश चाहिए क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते थे यार। तो ये जो चीज थी वो तमिलनाडु में काफी ज्यादा वायलेंट हो गई थी। अच्छा, जो स्टेट्स होते हैं उनकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। चलो, अब हम दोबारा फेडरलिज्म वाले कहानी पर आते हैं। देखो, जब आज़ादी हुई थी तब उसके बाद से इंडिया पर एक ही पार्टी रूल करती जा रही थी। स्टेट गवर्नमेंट भी वही पार्टी जीतती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही पार्टी जीतती थी, लेकिन जब आगे चल के बहुत ज़्यादा पार्टी बनना स्टार्ट हुई तो कभी कदार दूसरी भी पार्टी जीत जाती थी स्टेट गवर्नमेंट पे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करती थी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा पार्टी आई, तो जिससे क्या हुआ, मेजॉरिटी में किसी को वोट ही नहीं मिले। तो जब वोट नहीं मिले तो उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आई स्टेट गवर्नमेंट की अहमियत, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सप्रेस करेंगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो गठबंधन के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों गठबंधन करूं भाई, तुम मुझे सप्रेस करते थे, ठीक है। तब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो काफी बेहतर होता आ रहा है और होना भी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जब पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तब हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडिया में तीसरी टाइप की भी गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट बनी थी तो लोगों को लगता था शायद अब इंडियन डेमोक्रेसी इतनी अच्छे से ना चल पाए और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। अब लोकल गवर्नमेंट क्यों बनी, क्योंकि लोगों को अच्छी नॉलेज होती थी उनके एरिया के बारे में, ठीक है, उनको पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छा से आता था कि कम पैसे में कैसे जुगाड़ हो सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स के आइडियाज भी उन्हें अच्छे से पता होते थे, और जो लोकल पीपल रहते थे वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते थे। जैसे अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास तो जाएंगे नहीं, अगर गांव है तो फिर सरपंच के पास जाएंगे, अगर सिटी है तो फिर मेयर के पास जाएंगे, राइट। 1992 में कई स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे, सीट रिजर्व कर दी गई बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व की गई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बता दिया गया कि तुम्हें लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करनी होगी। इसके कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे, तो चलो देखते हैं। मेरिट्स ये थे कि लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में पावरफुल हुई, कि लोकल पीपल को भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका मिलता था, वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिली, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में, गवर्नमेंट और भी ज़्यादा डीप हो गई, गवर्नमेंट आप बोलो या फिर इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा डीप हो गई। टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फर्स्ट है रूरल लोकल गवर्नमेंट, सेकेंड है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत होती है जो कि गांव में होती है और इसका हेड सरपंच बनता है। खूब ढेर सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर हम उसे ब्लॉक और मंडल पंचायत समिति बोलते हैं, 3-4 और कुछ पंचायत समिति को मिलाकर हम उसे जिला परिषद बोलते हैं। अच्छा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस समझ लो। ग्राम सभा जो होती है वो एक मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाती है कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, ये 3-4 विलेज मिलाकर भी कर सकते हैं या फिर एक विलेज अकेला भी ये मीटिंग रख सकता है ग्राम सभा। और जो ग्राम पंचायत होती है ये एक टाइप की रूरल लोकल गवर्नमेंट है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट
सिटीज़ की अलग होती है, टाउन्स की अलग होती है। तो देखो, सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जिसका हेड मेयर बनता है, टाउन या फिर स्मॉल सिटी में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है जिसका हेड म्यूनसिपैलिटी चेयरपर्सन बनता है। चैप्टर कैसा लगा बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।